बिहार में हुआ करिश्मा, जमीन का सीना चीर कर निकली मस्जिद। कबूल हुई अली बाबा की दुआ, 30 साल बाद भी सलामत मिली मस्जिद। बिहार के नवादा में एक मस्जिद ने करिश्मा कर दिया है। एक मस्जिद जो अचानक जमीन से निकली और लोगों का खुदा पर यकीन और मजबूत हो गया। ताजमहल के आकार में ये जो मस्जिद आपके सामने है, इसके लिए अली बाबा नाम के एक शख्स ने 30 साल से दुआ की थी। अब वही मस्जिद जब लोगों के सामने आई तो उनकी आंखों में ईमान की चमक दौड़ने लगी। अली बाबा की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मस्जिद की कहानी सुनिए। बिहार के नवादा में 30 साल पुरानी एक मस्जिद मिली है। कुदरत का करिश्मा देखिए, 30 साल पानी में रहने के बाद भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। नवादा के रजौली से 5 किलोमीटर दूर फुलवरिया डैम के पास चंदोली गांव है। इसी गांव में 30 साल पहले एक मस्जिद नदी में डूब गई थी। जिस मस्जिद में 30 साल पहले लोग नमाज पढ़ा करते थे, वहां बने डैम में ये मस्जिद डूब गई। 30 साल से ये मस्जिद पानी के अंदर थी। किसी को यकीन नहीं था कि पानी की इतनी तेज रफ्तार के बीच मस्जिद सलामत कैसे होगी। जहाँ हल्की सी सीलन में पूरे के पूरे मकान ढह जाते हैं, जहाँ बारिश के मौसम में पहाड़ तक दरक जाते हैं, वहाँ 30 साल तक एक मस्जिद से सलामत रह सकती है। लोगों ने यकीन कर लिया था कि खुदा का घर था, खुदा के पास चला गया। लेकिन इसी नवादा में अली बाबा नाम के एक शख्स, जिन्होंने सारी जिंदगी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी थी और वो हमेशा मस्जिद की सलामती की दुआ करते थे, आज अली बाबा तो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जब अचानक नदी का पानी खत्म हुआ तो रातों रात लोगों के सामने मस्जिद प्रकट हो गई। मस्जिद की एक दीवार तक को नुकसान नहीं हुआ है। मस्जिद का पेंट भी ऐसा है जैसा आज से 30 साल पहले था। 30 साल पानी में रहने के बाद भी मस्जिद के गुंबद ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बनाए गए हों। लोगों का कहना है अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की और मस्जिद सलामत रही। लोगों का ये भी कहना है कि ये मस्जिद 120 साल पुरानी है, लेकिन बीते 30 साल से मस्जिद पूरी तरह पानी में डूब गई थी। इसके बावजूद मस्जिद को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। मस्जिद को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आने लगे हैं। गांव में मस्जिद के निकलने की खुशी में जश्न मनाया गया। नवादा के रहने वाले शमशेर का कहना है, पहले यहाँ पर मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी। मुस्लिमों ने इस मस्जिद को बनवाया था। इसके बाद जब डैम बना तो मस्जिद भी उसी डैम में डूब गई। लोगों ने मस्जिद के सलामत होने की उम्मीद को खो दिया था, लेकिन अचानक करिश्मा हुआ है और मस्जिद सही सलामत निकली है। मस्जिद सामने आने से लोगों की ईद हो गई है। एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। अब मस्जिद के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहे हैं। लोग इसे अल्लाह का करिश्मा मानकर जमकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी शेयर कीजिए।